दादी, ये हमारी दादी हैं जिसको जिसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे दिया है। काफ़ी एजेड हैं तो ये ज़्यादातर आराम ही करती है और बहुत दिन बाद आओ तो पहचान भी नहीं पाती कि आप कौन हो। बड़ी दीदी है, मैं छोटी बहन उनकी, तो आप लोग बता सकते हैं हम लोग का फीस मिलता है या नहीं मिलता है? आप बता सकते हैं तो फिर कमेंट और लाइक प्लीज जल्दी जल्दी कीजिएगा। दादी बोल आई लव यू, बोलो आई लव यू फैन, आई लव यू फैन। हमारी दादी जो है ना बनारस से बिलोंग करती है तो उन्हें भोजपुरी बहुत अच्छी आती है, तो मेरी दादी भोजपुरी ही बोलती है। दादी बोलो आई बोल, बोलो आई आई लव लव यू फ्रेंड। हाँ आई लव यू फ्रेंड, बोलो आई लव यू फ्रेंड। हमारी दादी लेकिन कोशिश की है आप लोगों के लिए कि अपना प्यार बता सके ना दादी। देखो हाँ पहचान तो रही है सबको, ये करो ये दादी इसके साथ बैठो तो बहुत सारी पुरानी बातें करती है। ज्यादातर ये मुझसे आँख की बात करती है क्योंकि इसकी आँख में है प्रॉब्लम। एक आँख का ऑपरेशन हम लोगों ने कराया था लेकिन अभी भी इसकी दूसरी आँख में प्रॉब्लम है। सो हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने बोला था कि जो है उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, वो काफ़ी डैमेज है। हम लोगों ने जिसे दिखाया था वो लखनऊ में ही है, लखनऊ के ही डॉक्टर है जिन्हें दिखाया था हम लोगों ने, तो उन्होंने बोला था कि काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है तो वो मुश्किल है बनना। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने उन्होंने कहा कि जैसा चल रहा वैसे चलने दीजिए, और आई ड्रॉप दिया था तो वो आई ड्रॉप हम लोग इनको डालते हैं। हाँ थोड़ा बहुत दिखता है लेकिन एक आँख पूरी सही है। सो और बाकी मेरी दादी एकदम फिट है। दादा कुछ बोल क्या बोले, कुछ भी कौन सी बोली बटे उठा ना, पुरानी बात बताओ कुछ पुरानी बात। हाँ पुरानी बात इतना ही आया होगा। अच्छा पहले जमाने में मोबाइल रहल नहीं तो कैसे बतियाओ रोली? तो मोबाइल रहता ऐसे थोड़ो ना रहता। हाँ अच्छा दादा से कैसे बतियाओ रोली? हाँ पहले जमाने में दादा से कैसे बतियाओ रोली? कुछ नहीं खाली चिट्ठी लिखा जाए जाए। अच्छा अच्छा दादा की चिट्ठी लिख ली आपको? हमको ना पढ़ लेगी चिट्ठी लिखा। अच्छा हमारी दादी पढ़ी नहीं है लेकिन बहुत सयानी है, हमारी दादी बहुत सयानी है। अच्छा ये लोग मेरी दादी की जो है ना देवरानियाँ हैं। हाँ दादी नहीं पढ़ी है लेकिन ये है दादी के, दादी घर में सबसे बड़ी थी। मेरे चार दादा थे, मेरी दादी जो है सबकी जेठानी थी लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है, ऐसी नहीं है वो जो है खूंखार जेठानी नहीं है मेरी दादी, है ना? अच्छा कलनी का बजाना हो ना काहे नहीं होगा, नवंबर में कहाँ रे मंदा 6 महीना बाद। अरे मोरी में 6 महीना में कलनी का हो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीना। पूछ रही है ना छोटी वाली की शादी की डेट, भूल जाती है, जब आते तब बताते थे कहेगी बहुत समय, अभी बहुत समय कहिया कभी हो गया। हाँ अरे कोई बात ना, तो महामारी चलत रहा ना। हाँ तो महामारी का कहे था खत्म ना हो गया, कहे महामारी है ना जो कि दिखाई उसे मारी लेगी जिंदा रहेगी जिंदा रहे। बोल रही है जिसका जितना लिखा होता है वो जरूर रहता है, चाहे उसे एक बार हो जाए दो बार हो जाए या तीन बार, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि मुझे जीना है तो वो अपने आप पे बहुत मेहनत करता है, वो सफल जरूर होता है। और जो धैर्य ही छोड़ देता है अपने आप से भरोसा उठ जाता है वो कुछ तो मेंटली वो काफ़ी ज़्यादा वो टॉर्चर हो जाता है। तो ज़रूरी है कि अगर हम बीमार हों तो अपने मन को कंट्रोल करें, निगेटिव ना सोचे और भरोसा रखे कि हम ठीक हो जाएंगे तो वो 100% ठीक होगा।
चलिए फिर बाद में बात करते हैं दादी के साथ।